हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार निजी ज्ञान क्लास में। रोज हमारी सुबह के 6 बजे से हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आप क्लास को रोज अटेंड करते होंगे तो आपको पता होगा हम लोग क्लास में कैसे कैसे सवालों को डिस्कस करते हैं। तो सब लोग जल्दी से लिंक को शेयर करके अपने सभी दोस्तों को इन्विटेशन भेज के लाइव आ जाइए। हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल शानदार और धांधली तरीके से होने वाली है, तो अगर सब लोग लाइव आ गए हैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का मोटिवेशनल, सबसे पहले मोटिवेशनल कोट को जानना था दोस्तों। आज का मोटिवेशनल कोट है, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है भैया। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए फिर, अगर सभी लोग लाइव आ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। और आप लोग अगर लेट से जुड़ते हैं तो बहुत गलत बात है, एकदम समय पर ठीक सुबह के 6 बजे एकदम टाइम पर जुड़ जाइए। तो बस्ता बुढ़िया सब लेके आइएगा, खाना पीना खा के आइएगा, फ्रेश फ्रेश होके आइएगा। आज का पहला सवाल देखते हैं। तो कंप्यूटर जी, आज का पहला सवाल स्क्रीन पर लगाया जाए। और आज का पहला सवाल आपके सामने है, भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है OECD ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का। ऑप्शन ए 12.6%, ऑप्शन बी 12.5%, ऑप्शन सी 10.5%, या फिर ऑप्शन डी 11.2%। OECD के द्वारा GDP ग्रोथ रेट भारत का क्या होगा 21-22 का, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12.6 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। OECD को हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सहयोग विकास संगठन ने 2021-22 का फाइनेंशियल 21-22 का भारत का GDP ग्रोथ रेट 12.6 आकलन किया है। अब GDP क्या है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए GDP को हम लोग बोलते हैं घरेलू सकल उत्पाद। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए पूरे देश का, अगर कोई भी कंट्री का GDP का बात होगा तो समझिएगा पूरे देश का जितना भी उत्पाद है और जितने भी वस्तुओं का और सेवाओं का, सर्विसेज का, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो भी कॉस्ट चार्जेस लग रही हैं, जो भी उसका मूल्य निकल रहा है, वो टोटल आपका ग्रॉस GDP होगा, ग्रॉस डेवलपमेंट, ठीक है, घरेलू सकल उत्पाद। चलिए अब OECD के बारे में बता दिया। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जिसका संस्थापना कब हुआ भैया, इसका स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर पेरिस में है, याद रखिएगा पेरिस कहां, फ्रांस में। और तो और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो भैया सेक्रेटरी जनरल है जॉस एंजल, इसका इसके सेक्रेटरी जनरल है जॉस एंजल बुरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, आज का दूसरा प्रश्न। तो सभी लोग जल्दी से, अगर लेट से जुड़े हैं तो भैया गलत बात है, समय पर आइए, बिल्कुल समय पर आइए। आज का दूसरा सवाल है, द फ्रंटियर गांधी माय लाइफ एंड स्ट्रगल, यह पुस्तक किसने लिखी है। द फ्रंटियर गांधी माय लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अरिंधति रॉय, अरिफ मोहम्मद खान, विश्व स्वरूप राय चौधरी, या फिर इम्तियाज अहमद साहिबजादा। ऑप्शन ए बी सी या डी, बहुत आसान सा सवाल है। इस बुक का नाम आपके सामने है, आपको इसके ऑथर के बारे में पता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इम्तियाज अहमद साहिबजादा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और भी बहुत सारे बुक हैं, टोटल 5 करंट अफेयर्स के जो अभी रिसेंट वाले बुक हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हम बता रहे हैं आपको। पहला बुक है आपका जंगलनामा, भैया जंगलनामा अमिताभ घोष जी ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बुक है माय लाइफ माय मिशन, किसका मिशन है ये, याद रखिएगा बाबा रामदेव का मिशन है, बाबा रामदेव जी ने माय लाइफ माय मिशन लिखा है। अगला बुक है माय इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, तो भैया ये किसके द्वारा लिखा गया है, माय इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो भैया भोलचंद्र मांगेकर, मांजेकर या मांगेकर नाम ऐसा करके, तो इन्होंने ये बुक लिखा है। फिर अगला है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, भैया ये किसके द्वारा लिखा गया, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो रामचंद्र गुहा जी के द्वारा द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट लिखा गया। अब लास्ट बुक है प्रोमिस्ड लैंड, सारे इंपॉर्टेंट बुक है, प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा जी के द्वारा लिखा गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट बुक है, सारा बुक को आपको याद रखना है, हर एक नाम आपके मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं और जो भी लेट से जुड़ रहे हैं उनको हम वापस से बताना चाहते हैं, भैया ठीक सुबह के 6 बजे समय पर लाइव आ जाइए और एक बार हमारे क्लास को, करंट अफेयर क्लास को देख लीजिएगा तो आपको इश्क हो जाएगा। आय हाय बड़ा बढ़िया लग रहा है सब बात सुन। बिल्कुल जी हाँ, आपको इश्क हो जाएगा हमारे क्लास से। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं, चौथा सवाल, सॉरी गाइस, लगता है हम भी भावनाओं में बह रहे हैं। कोई बात नहीं, भावना में नहीं बहना है, बी सॉलिड। चलो आज का चौथा प्रश्न है, 12 मार्च 2000 तीसरा। चलिए 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको इंग्लिश में CISF बोलते हैं, का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ध्यान से बताइएगा, CISF का इस बार जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वो कितने नंबर का होगा? बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 52वां बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। CISF का स्थापना दिवस 52वां होगा। और इम्पोर्टेंट और कौन कौन से स्थापना है, माने कि जैसे कि आपका भारतीय रेलवे का स्थापना कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। तो भैया 16 अप्रैल को, डेट याद रखिए, भारतीय रेलवे का स्थापना 16 अप्रैल को हुआ। भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ, 8 अक्टूबर को हुआ। और तो और थल सेना का स्थापना 15 जनवरी को हुआ था। नौसेना का स्थापना 4 दिसंबर को हुआ था। और तट रक्षक, जो भी तट रक्षक बल है, उनका स्थापना 1 फरवरी को हुआ था। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आज का चौथा सवाल देखते हैं। तो भैया चौथा प्रश्न है, 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे? बताइए 12 मार्च, बिल्कुल आज के दिन, कल के दिन मोदी जी ने कौन से कार्यक्रम का उद्घाटन किया, बताइए साबरमती आश्रम से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कार्यक्रम का नाम आपको बता रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आजादी का अमृत महोत्सव, बिल्कुल सही जवाब होगा। नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम से कल 12 मार्च को ये आजादी का अमृत महोत्सव योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। अब ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था भैया, क्या हुआ था, साबरमती आश्रम से दांडी तक एक मार्च निकला था। ठीक है, दांडी मार्च, जिसको हम लोग दांडी मार्च बोलते हैं। तो उसी, ये जो दांडी मार्च निकला था, इसी के उपलक्ष में नरेंद्र मोदी जी ने भी एक मार्च करवाया है, उद्घाटन करवाया है। और इसमें बहुत सारे कमिटी बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं भैया, राष्ट्रपति भी है और तो और बहुत सारे स्टेट के CM वगैरह भी हैं। तो इसी का उद्घाटन 12 मार्च को मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। वापस से समझो दांडी मार्च होने वाला है। आज का पांचवा प्रश्न है, 11 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री बाकायोको का निधन हुआ? ये जो बाकायोको है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन से देश से बिलोंग करते थे, कौन से देश के ये प्रधानमंत्री थे? ग्रीस, आयरलैंड, पापुआ न्यू गिनिया या फिर आइवरी कोस्ट, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों आइवरी कोस्ट का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है, इसी के प्रधानमंत्री थे कौन, बाकायोको। इनकी मृत्यु कहां हुई, तो इनकी मृत्यु जर्मनी में हुई और कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोग क्या कोरोना समझ रहे थे, नहीं, कैंसर से इनकी मृत्यु हुई। अब आगे बढ़ते हैं, आज का छठा सवाल देखते हैं। कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट करके नीचे बताइएगा। आप लोग रोज क्लास देख लेते हैं लेकिन बताते नहीं है आप लोगों को कैसा हमारा मेहनत लग रहा है, तो जरूर से कमेंट करके बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। मोटिवेट कीजिए, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत है, हम भी आदमी है, हमें भी मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब छठा प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहां बन रहा है? तैरता हुआ सौर संयंत्र भारत में कहां बन रहा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, जहां के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। बिल्कुल मध्य प्रदेश में ही यह बन रहा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सुबह सुबह है यार। चलिए ठीक है,
तो मध्य प्रदेश का बिल्कुल राइट आंसर है। और मध्य प्रदेश के कुछ रिसेंट के योजनाओं के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पहला है कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, रोजगार सेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए। फिर आपका दूसरा है जीवन शक्ति योजना, ये भैया ये योजना के तहत महिलाएं 11 रुपए में मास्क, कोरोना में मास्क कितना बना तो भैया 11 रुपए में मास्क बनाया गया जीवन शक्ति योजना से। अब अगला योजना है एक जिला एक शिल्प योजना अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में ही चालू हुआ। उसके बाद है संकल्प योजना, भैया संकल्प योजना के तहत बुजुर्गों को सहायता प्रदान किया जा रहा था तो ये संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश में लागू किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वहां का लोक नृत्य क्या है, देखिए लोक नृत्य भी बहुत बड़े एग्जाम में पूछ जाता है, चलिए हम स्टार्टिंग जीके भी कवर करते हैं करंट अफेयर में। तो दोस्तों जैसे कि आपका कर्मा हो गया, फिर और भी बताइए जवारा हो गया, तेरा तली हो गया, आहिरी हो गया, सारे इंपॉर्टेंट फोक डांस है। और नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, पेंच, वन विहार, फोसिल्स नेशनल पार्क, सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश से। नेशनल पार्क यही पूछे, इससे ज्यादा नहीं पूछे, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आज का सातवां प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया। बैटन ऑफ ऑनर ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने किसको दिया, भेंट किया, मनु बाकर, किरण बेदी, अजू बाबी जॉर्ज या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों आप किरण बेदी का नाम सुने होंगे, किरण बेदी को ही ये अवार्ड दिया गया, बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड, जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। आज का आठवां प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में सैमसंग ने कहां इनोवेशन लैब स्थापित किया, इनोवेशन लैब सैमसंग ने कहां स्थापित किया। और क्लास अगर अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर कीजिएगा हमारे क्लास को, इससे कुछ नहीं होगा, बस हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हमें लगेगा हमारा मेहनत काम आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो दिल से शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, दिल्ली में सैमसंग ने इनोवेशन लैब स्थापित किया है। अगला सवाल आज का नवा प्रश्न है, मेती द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची में लगातार उन महीनों तक कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा, बताइए। मेती द्वारा डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड के लिस्ट में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है, नंबर वन पर रहा है, सेंट्रल बैंक, आरबीएल, एसबीआई या फिर एचडीएफसी, एर्गो। तो हमको पता है इसका, सब लोग सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नंबर पर रहा है मिति के अनुसार। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, भैया दिनेश कुमार खरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार खरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है। और तो और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, और इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना हुआ था। अब एसबीआई ने दो तीन योजना भी है जो अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया था, जैसे कि ऋण समाधान योजना एसबीआई के द्वारा लाया गया, और तो और एसबीआई ने बीएसएनएल के साथ मिलकर इंस्टा पे वॉलेट बनाया, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है भारत की पहली कॉन्टेक्ट लेंस किसके द्वारा बनाई गई, तो भैया टाइटन कंपनी के द्वारा एसबीआई ये भारत का पहला कॉन्टेक्ट लेंस बनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एसबीआई से रिलेटेड। अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, जा रहे हैं हम लोग लेकिन कल फिर आएंगे वापस से, शानदार से स्वागत नहीं करोगे हमारा, बिल्कुल कीजिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में महाशिवरात्रि के दिन हैरत महोत्सव किस राज्य या फिर यूटी में मनाया जाता है, यूटी भैया ऊटी नहीं है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी। तो बताइए महाशिवरात्रि के दिन हैरत महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, केरल, जम्मू कश्मीर, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो हमको लगता है इसका सब लोग सही सही जवाब करेंगे, बिल्कुल क्या बात है, सब लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, जम्मू कश्मीर में हैरत मनाया जाता है, हैरत महोत्सव कब, महाशिवरात्रि के दिन। अब राजधानी जम्मू कश्मीर की क्या है, तो भैया दो राजधानी है, एक शीतकालीन है और एक ग्रीष्मकालीन है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है, ग्रीष्मकालीन राजधानी
सॉरी शीतकालीन राजधानी जम्मू, बिल्कुल, और ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। अब श्रीनगर है, लोग हम बता ही देते हैं, चलो श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब यहाँ के राज्यपाल, देखिए राज्यपाल तो नहीं होगा, केंद्र शासित प्रदेश है तो उपराज्यपाल, भैया यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आपके पंकज मित्तल जी, ठीक है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया ये जो डल झील, डल झील का नाम सुने है ना, डल झील पर ही स्थित है श्रीनगर शहर, याद रखिएगा। श्रीनगर शहर पूछेगा कहाँ स्थित है तो डल झील पर स्थित है। और ताजा पानी का झील कौन सा है जम्मू कश्मीर में, तो याद रखिएगा वुलर झील ताजा पानी का झील है। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट झील जान लीजिए, जैसे कि वुलर झील हो गया, डल झील हो गया, नागिन झील हो गया, सारे इंपॉर्टेंट झील है जम्मू कश्मीर की। तो ये थी हमारी क्लास करंट अफेयर की, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। उबाऊ तो नहीं थी ना, ये भी कमेंट करके बताइएगा, अगर उबाऊ लगी होगी तो बता दीजिएगा, बीच बीच में एक आध दो जोक भी मार देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल फिर ठीक सुबह के 6 बजे हमारे इसी करंट अफेयर की क्लास में। सभी लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, मेहनत अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि आप ही एक माध्यम है हमारे वीडियो को शेयर करने का। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।